अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के साथ ही वहां लोगों को मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आम जनजीवन बेहाल है। महिलाएं सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। अमानवीय अत्याचारों के साथ साथ उनको पर्दे में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ महिलाओं के कामकाज तक को बंद कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इन महिलाओं के हालातों पर चिंता जताई है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया को अफगान महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। ये महिलाएं कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही हैं। गुटेरेस ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वहां महिलाओं के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 530 दिन के बाद भी ये स्कूल नहीं खोले गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्कूलों में महिलाओं का प्रवेश बंद करने पर भी गुटेरेस ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो दुनिया को अफगान महिलाओं के समर्थन में खड़ा होने की जरूरत है।